कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव व जिले के प्रभारी त्रिभुवन नारायण मिश्रा ने बुधवार को जिला पार्टी कार्यालय ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में सभी ब्लॉक के कार्यकर्ता से ब्लॉक वाइज मिलकर उनकी जानकारियों को साझा किया। बैठक में पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान, ब्लॉक अध्यक्ष राजेश यादव, डॉक्टर सुनील तिवारी, मेनिका पांडे, निर्मला गुप्ता, सुनीता मिश्रा, तौकीर आलम, धर्मराज चौहान, महेंद्र नाथ मिश्रा, उषा श्रीवास्तव, प्रभात पांडे, शंभू पासवान, सत्येंद्र निषाद, राजीव राय सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव व जिला प्रभारी त्रिभुवन नारायण मिश्रा ने कहा, मटर तो पहले ही लिखा गया है, वही आ गया मटर की प्राइस पहले ही आ गए। आज ब्लॉक कमेटी की चयन जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज ब्लॉक कमेटी कांग्रेस का चयन यहाँ होना है और सभी ब्लॉक से आए हुए सभी साथियों को मेरा प्रणाम और हम लोग के गोरखपुर में आपका स्वागत है। मैं नाम ले रही हूँ जिस ब्लॉक से हमारे लोग आए हुए हैं, उस ब्लॉक से नाम लेने पर हाथ उठा दीजिएगा या खड़े हो जाइएगा। पिपरौली आज के बैठक का उद्देश्य यही है और इसके पहले भी बैठक हुआ उसका भी उद्देश्य था, संगठन को गांव स्तर तक हमें मजबूती देना है। आज पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में मुद्दों की राजनीति केवल कर रही है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, चाहे वो महिलाओं का मामला हो, किसानों का मामला हो, बेरोजगारों का मामला हो, अधिवक्ताओं का, शिक्षकों का, व्यापारियों, समाज के मतलब सभी वर्गों का हम मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं और केवल कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही है। अब उसको हमें जमीनी स्तर तक पहुंचाना है, संगठन में थोड़ी हमारे कमजोरी है जिसके वजह से हमको चुनाव में सफलता कम मिल पाती है प्रदेश में, उसी को हम दूर करना चाहते हैं। आज पूरे प्रदेश में हर आदमी कह रहा कि भाई केवल कांग्रेस ही लड़ रही है भाजपा से, तो हम चाहते हैं उस बात को गांव तक, गरीब के, दलित के, किसान के झोपड़ियों तक पहुंचे, इसीलिए हम संगठन को गांव तक मजबूत करना चाहते हैं। यही आज के बैठक का मुख्य एजेंडा है। सर ब्लॉक अध्यक्षों का चयन कितने ब्लॉकों में अध्यक्षों का चयन? ब्लॉक अध्यक्ष तो हमारे सब में थे पहले, लेकिन चूंकि अब नए तरीके से ये हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने तय किया था, जो जिले की कमेटी है उसमें से लोगों को ब्लॉक का विधानसभा का प्रभारी बना करके, जो उस विधानसभा ब्लॉक के खुद रहने वाले न हो दूसरे जगह, वो जा करके ब्लॉकों में बैठक करें लोगों को इकट्ठा करके कार्यकर्ताओं को, और उसमें से तीन नामों का पैनल बना करके जिला कार्यालय को भेजें। तो चूंकि ये कार्यक्रम पहले किया जा चुका था और मैं उस समय यहाँ प्रभार ग्रहण नहीं किया था, तो उसीलिए मैंने सोचा जरा उन लोगों से मिल करके मैं स्वतः भी उनके बारे में जरा कुछ जानकारी हासिल करूँ जो कांग्रेस के लिए कितने कारगर हो सकते हैं। आज यही है कार्यक्रम।